पहले ना बहुत आगे नीचे से जाना पड़ता था, पहले कहीं और से ही रोड निकाला हुआ था, बट अब ठीक कर दिया है। बट हमने यहाँ से लेफ्ट को जाना है तो हम पहुँचेंगे कोई सी मोनेस्ट्री है, मेरे को जगह का नाम नहीं पता है। सुंदर जगह है गाइस, जस्ट चेक आउट दिस गाइस। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा बबेली से। एक्चुअली आज हम ना एक मोनेस्ट्री विजिट करने जा रहे हैं जो कि पतलीकुल में है। तो यहाँ नीचे एक साइड देख सकते हो आप, यार राफ्टिंग वगैरह फुल ऑन हो रही है। तो गाइज अभी हूँ मैं इस ब्रिज पे। ये ब्रिज ना जब हिमाचल में बाढ़ वगैरह आई थी तो पूरी तरह से यू डिस्ट्रॉय हो गया था ये ब्रिज। सो आज का ब्लॉग गाइज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ मेरा फ्रेंड मिलेगा एंड फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी तक गाइज अगर ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ताकि ब्लॉग की जो रिकमेंडेशन है वो इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा लोगों तक हमारा ब्लॉग पहुंच पाए। यार व्यू देखो पीछे का, लाइक कितना ज़्यादा सेक्सी हो रखा है भाई। हो चुका है अभी यार, मेरा फ्रेंड ना आ नहीं रहा है और मैं यहाँ पर पहुँच भी गया था तो थोड़ा सा स्कैम हो गया यहाँ पे। अब आगे की जो हम जर्नी है ना वो आई थिंक सोलो ही करेंगे, बट जाएंगे तो जाएंगे क्योंकि मैं अपने घर से ना बहुत दूर ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो यार, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है ना गाइस यहाँ का, एंड अपनी बाइक यहाँ पर लगी हुई है। लोगों को ना आवाज़ साफ़ आ रही होगी मेरी, बिकॉज मेरे माइक का जो है वो फ़िल्टर ना गायब हो गया, तो जिस वजह से हवा की आवाज़ भी साथ में ही आ रही थी। सो आई होप सो आपको अभी ना आवाज़ मेरी साफ़ आ रही होगी। एंड अभी जा रहे गाइज हम मोनेस्ट्री जो कि पतलीकुल से पीछे वाले माउंटेन में है। तो गाइज़ ये वो वाला पॉइंट है ना, यहाँ से पूरी सड़क चली गई थी जब फ्लड आया था। तो पहले ये वाली सड़क शायद नीचे से कहीं से निकाली थी, अब पता नहीं ऊपर से कर दिया है सब कुछ ठीक। साइड ना बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, पहले ना बहुत आगे नीचे से जाना पड़ता था, पहले कहीं और से ही रोड निकाला हुआ था, बट अब ठीक कर दिया है। गाइस आप सभी लोगों को यार आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। माइक का बहुत इशू हो रहा है इस वाले हेलमेट में यार, जो मेरा दूसरा एडवेंचर हेलमेट था उसमें कभी भी इशू नहीं आया माइक का, बट इस वाले में माइक का इशू आ रहा है यार बहुत ज़्यादा। एंड अभी यहाँ से ना डाइवर्जन आएगा, सो अगर आप यहाँ से राइट मुड़ोगे ना तो डायरेक्ट मनाली पहुँचोगे, बट हमने यहाँ से लेफ्ट को जाना है तो हम पहुँचेंगे कोई सी मोनेस्ट्री है, मेरे को जगह का नाम नहीं पता है। बट अगर आप ये वाला रोड लिंक करोगे तो मनाली पहुँचोगे डायरेक्ट, बट हमने जाना है इस साइड को। सो मोनेस्ट्री की तरफ जाना है तो ये वाला रास्ता जाता है मोनेस्ट्री की तरफ। यस गाइज ये है वो डाइवर्जन, ये पतलीकुल की थोड़ी जैसी मार्केट है छोटी सी। ये अंकल ने डंडे रखे हुए साइड को करके, अब हमने ओवरटेक लेना, हम कैसे लेंगे गाइस। ये ऊपर वाला रास्ता पता नहीं कहाँ को जाता है ना, बट नीचे वाला मोनेस्ट्री को जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पनगान ऐसा कुछ ही पढ़ते इसको, पनगा है शायद यहाँ का नाम। सो गाइस पहुँच चुके हम यहाँ पे, यहाँ पर ना बाइक पार्क करते हैं एंड मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं नीचे। सो गाइस लेट्स गो मोनेस्ट्री की तरफ। ये आई थिंक सो कुछ तो है स्कूल, आई थिंक सो यहाँ पे स्कूलिंग भी होती है भाई, पूरा बहुत अच्छा एरिया है। बाकी देखते हैं नीचे चल के ऐसा व्यू दिखता है, मोनेस्ट्री कैसी दिखती है, मैंने तो देखी हुई है पहले भी, बट देखते हैं इस बार का कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। सुंदर जगह है गाइज, जस्ट चेक आउट दिस गाइज। पहली बार आया था मैं खजल हो गया था कि रास्ता कहाँ होकर है। गाइज लेट्स गो गाइज, यहाँ से व्यू ना एक नंबर दिखता है भाई। भाई यहाँ का रास्ता ना एकदम अलग सा है, मतलब इधर उधर घर है एंड बीच में रास्ता है। इस मोनेस्ट्री की एंट्री है यहाँ से एंड बहुत ज़्यादा सुंदर मोनेस्ट्री है। चलो गाइस लेट्स गो, ये मोनेस्ट्री है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऊपर एक कुत्ता भी है, आई डोंट नो ये खाता होगा कि क्या करता होगा, बट भौंक तो रहा था अभी।